अस्सलाम वालेकुम गाइस, एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर है 16 प्रूफ करना है। सो इसको भी हम लोग इनडायरेक्टली सॉल्व करेंगे, तो इसको मैं कह देता हूं जो मेन हमारा प्रूफ है उसको मैं कह देता हूं ये इक्वेशन ये है, और इसमें जो मैं चेंज लेके आऊंगा सपोजिशन से चेंज नहीं आएगी, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें ये जो राइट हैंड साइड पे पड़ा हुआ है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे, तो ये नेगेटिव साइन इधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन के साथ आ जाएगा। यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू 0। अब साइड साइड जो भी चीज थी राइट हैंड साइड पे उसको मैं लेफ्ट पे ले आया, तो वहां पे रह जाएगा राइट हैंड साइड पे 0। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन बी आफ्टर चेंज। सो इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो फर्दर सॉल्व करने के लिए इसको हम यहाँ पे इक्वेशन बी की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कंसीडर कर लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ जाएगी tan इनवर्स माइनस x प्लस tan इनवर्स ऑफ x। तो इसमें जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो यूज करना है मैं पहले वो लिख देता हूं। तो tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b इक्वल्स टू हमारे पास क्या होता है, tan इनवर्स a प्लस b डिवाइडेड बाय 1 माइनस a इनटू b। तो यही फॉर्मूला इसमें अप्लाई करते हैं, तो इट मींस जहां भी फॉर्मूले में हमारे पास a है उसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, माइनस x, और जहां भी हमारे पास फॉर्मूले में b आएगा उसकी जगह पुट कर देंगे x। तो यही फॉर्मूला इसमें अप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स a की जगह आ जाएगा माइनस एक्स और b की जगह आ जाएगा x। सो 1 माइनस a की जगह माइनस एक्स और b की जगह आ जाएगा आपके पास x। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स ऊपर आ जाएगा 0, नीचे हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस x का स्क्वायर। तो ऊपर 0 आ गया नीचे कुछ भी है तो हमारे पास रिजल्ट 0 ही आना है, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 0। तो 0 हमारे पास स्टेबल वैल्यू है, तो tan के कौन से एंगल पे हमारे पास वैल्यू आती है 0, तो वो आती है 0 डिग्री पे भी, 0 आ गया। तो ये हमने प्रूव कर लिया कि लेफ्ट हैंड साइड हम इक्वेशन बी की लेके चले और राइट हैंड साइड उसकी हम लोगों ने राइट हैंड साइड इक्वल लिया है। तो इट मींस यहां पे हम लिख सकते हैं कि इक्वेशन बी हम लोगों ने प्रूव कर ली वो हमारे पास tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स प्लस tan इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 हम लिख सकते हैं, ये हम लोगों ने यहां पे प्रूव कर लिया। लेकिन इसको जो भी आपके पास क्वेश्चन होता है उसकी फॉर्म में लाजमी आपने लेके आना होता है, ठीक है। तो ये जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे ये पड़ा हुआ है, ठीक है, इसको राइट पे लेके जाओगे तो हमारे पास क्या रहेगा, tan inverse of minus x equals to minus tan inverse of x। तो ये basically हम लोगों ने क्या कर दिया, जो proof है जो equation a की form में मैंने यहाँ पे label किया हुआ जो main question था, so इसके आगे हम लिख देंगे so it's proved। ये सारे के सारे proof आपको पता है indirectly हो रहे हैं, तो जो भी हम लोग अपनी मर्जी से चेंज लेके आते हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से आप ये हम चेंज किस लिए लेके आते हैं ताकि फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर सकें। तो सिंप्लीफाई करने के बाद रिजल्ट आने के बाद प्रूफ जब हो जाए इसको रिवर्स करके आप लोगों ने लास्ट में लिखना है, ठीक है, जो हमारा मेन क्वेश्चन होता है उसकी फॉर्म में। सो फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाऊंगा। ये सारे क्वेश्चंस ही ऐसे हैं, अगर आपको कहीं कंफ्यूजन आ रही है तो प्लीज मुझे साथ बताते जाओ नीचे कमेंट सेक्शन में, ताकि कोई और किसी टेक्निक है तो मैं उस टेक्निक से आपको ये क्वेश्चंस करवा दूं। मेन मकसद क्या है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना, ये क्वेश्चंस का सिर्फ सोल्यूशन कराना मकसद नहीं है, सिर्फ इसमें यह है कि आपकी बेसिक मैथमेटिक्स ताकि मैं स्ट्रॉन्ग कर दूं और आपके कॉन्सेप्ट और आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको थोड़ा सा मैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दूं। और बस ये है कि आप लोग अपने कॉन्सेप्ट्स अभी से क्लियर करो ताकि आगे जब आप हायर स्टडीज पे जाओ तो आपको प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े, ठीक है। सो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो और जितने क्वेश्चंस हो सकता है क्वेश्चंस करो। सो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज़।